अभी हम आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान में खुश्क मेवा जात बहुत मशहूर है और क्वेटा से आने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने लिए तो खुश्क मेवा जात लेते हैं, लेकिन जिनके घर जा रहे होते हैं, जिनसे मिलने जा रहे होते हैं, उनके लिए भी लेकर जाते हैं, क्योंकि उसकी जो कीमत है वो बाकी शहरों से बहुत कम होती है। तो आइए चलिए अब्दुल नबी बलोच की ये रिपोर्ट देखते हैं खुश्क मेवा जात पर। Hi viewers, I'm your host Abdul Nabi Baloch. Welcome to Quetta Dry Fruit Market. ये Dry Fruit Market बलूचिस्तान का वाहिद Dry Fruit Market है। यहाँ से पूरे पाकिस्तान को Dry Fruit सप्लाई किया जाता है। ये Dry Fruit बलूचिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और ईरान से भी इम्पोर्ट किए जाते हैं। अफगानिस्तान की बादाम और अखरोट, ब्राज़ील की किशमिश और काजू, चीन की पिस्ते और नट्स और ईरान की दीगर खुश्क मेवाजात से क्वेटा की ये मार्केट भरे पड़े है। ये खजूर जो है ईरान से भी आते हैं, पंचगुर से भी आते हैं, सकर से भी आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं ना, लेकिन इस बार जो हद तक महंगाई बढ़ चुकी है। इस बार पिछले साल हम लोग तकरीबन किलो जो देते थे तकरीबन 150 रुपये 250 रुपये ये पीला वाला देते थे, अभी जो हम लोग तकरीबन 350 रुपये खुद ले रहे हैं, तकरीबन 400 रुपये फरोख कर रहे हैं। यहाँ पिस्ता, बादाम और अखरोट के अलावा एक और ड्राई फ्रूट भी है। यहाँ के लोग इसे शौक से खाते हैं, शायद इनके अलावा कोई और इसे खाता भी हो, जिसे पश्तो में शिनय और बलोची में गन कहते हैं। ये 500 रुपये से तकरीबन 6000 रुपये किलो यहाँ फरोख्त हो रहा है। ये ड्राई फ्रूट बलूचिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के पहाड़ों पर भी पाया जाता है। बाकी मेवे इकदाम तकरीबन ग्रीन होते हैं, मगर दाल के दाने जितना ये खुश्क मेवा इब्तदाम रेड और पकने के बाद ही ग्रीन होता है। बलूचिस्तान के पहाड़ों में पाए जाने वाला ये दरख्त, इसके फ्रूट के अलावा यहाँ के लोग इसके पत्ते मेडिसिन के तौर इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, अभी ना कोई बात आ जाती है। जब हम पाकिस्तान की अपनी बात करते हैं तो हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो मशहूर हैं, और वो सही बात है कि जो बंदा ट्रैवल कर रहा होता है वो अपने साथ जो है ना 5-6 पैकेट्स लेके आ रहा होता है, और किसी को ये नहीं पता होता वो इसीलिए लेके आ रहा है क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। लाहौर आएंगे तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, इस्लामाबाद चले जाएंगे और महंगी हो जाएंगी, और कराची में भी, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ट्रेड करेंगे उतना। लेकिन वो ये वहाँ की जो क्वालिटी है ना, वहाँ के ड्राई फ्रूट की बड़ी डिफरेंट है। और जहाँ ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो हमें यही पाकिस्तान का मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि कजाकिस्तान के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारी जैसा नट्स और ये चीज़ें उनकी जैसा मैंगो हो गया, आपकी कीवी हो गई, कोई भी जैसा फ्रूट है ना उसको वो ड्राई प्रोडक्ट में इस तरह से बेचते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ की क्या आपको क्या लगता है, जैसे हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बड़े आपने मज़ेदार से देखे हैं, अभी आपको क्या लगता है वहाँ की क्या ऐसी स्पेशलिटी है जिसको हमें एज अ सौगात लेकर जाना चाहिए? एक तो हनी में इनका हनी बहुत अच्छा है, बहुत हाई क्वालिटी का वाइट हनी इनका स्पेशली बहुत अच्छा है और बड़े इकोनॉमिकल है। और दूसरा ड्राई फ्रूट में भी इनकी क्वालिटी हमसे बहुत बेहतर है।